नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट गुरुजी में। ये ईडियम का पार्ट नंबर 2 है और ये जो ईडियम्स हैं ये जो हैं ये सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के थ्रू हमें फाइंड करना है उसके लिए सही ईडियम्स कौन सा होगा, यानी कि जो आंसर हैं ये अलग अलग ईडियम्स हैं और जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर है, इस तरीके से। यानी कि अपोजिट करने की उसकी है, इससे क्या फ़ायदा हो, इससे ये फ़ायदा होगा हमें, एक ईडियम की सहायता से हम लोग अदर 3 ईडियम भी याद कर सकते हैं। स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये फुल्ली डेवलप्ड। फुल्ली डेवलप्ड कहते हैं पूर्ण रूप से विकास होना। पूर्ण रूप से विकास होने के लिए देखिएगा मैंने हिंदी लिख दी इसकी ताकि आपको आसानी हो जाए। यानी कि इसका क्या होगा, फुल ब्लाउन। फुल ब्लाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, फुल ब्लाउन, सही ईडियम हो जाएगा फुल ब्लाउन। ठीक, अब देखिएगा इसका क्या मतलब होता है, संपूर्ण रूप से विकसित हो जाना, संपूर्ण रूप से विकसित होना। नेक्स्ट ईडियम देखिएगा इसका स्माइल ऑन। स्माइल ऑन मतलब स्माइल कर रहे हैं, स्माइल के साथ ऑन है यानी कि प्रसन्न होना, ये इसका नहीं हो पाएगा। रन डाउन, रन डाउन कहते हैं किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करना यानी कि ये भी नहीं होगा। शॉट डाउन ये भी आलोचना करना, ये भी नहीं होगा। अब क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फुल ब्लाउन यानी कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाना यानी फुली डेवलप। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, नेक्स्ट ईडियम है एक्सट्रीमली एक्साइटेड। एक्सट्रीमली एक्साइटेड के अंदर एक्साइटेड होता है उत्साहित होना, क्या होना होता है, उत्साहित होना। इसके लिए देखिएगा सही आंसर, देखिएगा आंसर तो आपको पता लग पा रहे होंगे, हिंदी में डायरेक्ट लिखा है आपका अति उत्साहित। गंग हो मतलब होता है क्या, है ना, उत्साहित होना। शार्प प्रैक्टिस, सही आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम में जो हमारे पास शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस कहते हैं बेईमानी करना किसी चीज़ से, तो ये नहीं हो पाएगा इसका। रन डाउन स्वास्थ्य में गिरावट आना, ये भी इसका नहीं आएगा यानी कि। और स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक कहते हैं छोटी मोटी बातें, ये भी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गंग हो यानी कि एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, तेजी से उत्साहित होना, अति उत्साहित होना। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास, सॉरी ए प्लेस और स्कैंड ऑफ टूमलेट, मतलब कि किसी की सच्चाई भाप लेना, ये कह रहे ना स्कैन कर लेना, ऑफ टूमलेट, टूमलेट का स्कैन कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चाई भाप लेना। सी थ्रो, सी थ्रो सच्चाई भाप लेना, ये सही ईडियम हो जाएगा। एक नेक्स्ट ईडियम में देखिएगा, नेक्स्ट ईडियम क्या है, ए बियर गार्डन, खुशी, खुशी का शोर शराबा कर देना, मतलब गार्डन है उसमें आप शोर शराबा कर रहे हैं, खुशी का ए बियर गार्डन नहीं होगा। स्ट्राइक डाउन मारना या बीमार, मारना किसी को या फिर बीमार करना, इतनी बुरी तरीके से मार दिया, बीमार कर दिया, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। रन ओवर, रन ओवर कहते हैं किसी वाहन के द्वारा कुचलना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी थ्रो, सी थ्रो यानी कि सी थ्रो मतलब सच्चाई भाप लेना। नेक्स्ट ईडियम है ए विस्पर एंडरमेंट्स, ए विस्पर एंडरमेंट्स एज लवर, लवर है एंडरमेंट्स, मतलब कि किस, इसको देखते हैं, सीट अव, सेट अबाउट, मतलब सेट अबाउट कहते हैं किसी कार्य को प्रयास करना, ठीक। स्मार्ट अंडर, स्मार्ट अंडर कहते हैं पीड़ित करना। टू विल एंड को, प्रेमी के तरह से प्यार करना, यानी कि एंडरमेंट्स एज लवर विस्पर, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, टू विल एंड को, एक ईडियम होता है टू विल एंड को, इसका सही आंसर हो जाएगा टू विस एंड एंडरमेंट एंड लवर। टेक ऑन, टेक ऑन कहते हैं किसी चीज़ का काम संभाल लेना, टेक ऑन कर लेना, ये नहीं होगा, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर, टू विल एंड को। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, द एक्ट और प्रैक्टिस, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग, बोस्टिंग कहते हैं ढींग हाँकना, ठीक, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो गया, चेस्ट, चेस्ट थम्पिंग, चेस्ट थम्पिंग का मतलब होता है ढींग हाँकना, मतलब बिना वाजे की बातें करना, उसे कहते हैं चेस्ट थम्पिंग। सी थ्रो, सी थ्रो कहते हैं समझना, ये नहीं होगा इसका। सिटिंग ऑन द फेंस ए निर्णय स्थिति, ये भी इसका नहीं होगा। स्ट्रेन बेरी एवरी नेवर, सॉरी गलत बोल दिया, स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व,
यानी कड़ी मेहनत करना, ये भी इसका नहीं होगा। अब ये देखिएगा, ये जो कर रहा हूँ ना, ये भी इडियम है, ये भी इडियम है, ये भी इडियम है। अब देखिएगा सही इडियम क्या है इसके लिए, सही इडियम है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वेरी वेरी बिजी एंड हैव कमिटेड, बहुत बिजी है अपने कमिटेड के द्वारा, इसके लिए सही इडियम क्या होगा। देखिए स्टैंड बाई, स्टैंड बाई कहते हैं कार्रवाई में तैयार रहना, नहीं होगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, मुख्य बिंदु है ना, छोटा है ना बड़ा, बिल्कुल पॉइंट पर आ गए, ये भी नहीं होगा। माई लोट माई प्लेट, माई लोट माई प्लेट, तो ये एक इडियम है, माई लोट माई प्लेट, यानी कि किसी किसी कार्य में वचनबद्ध रहना, यानी किसी कार्य में लगे रहना अपने वचन के अनुसार। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। सेंड फॉर, सेंड फॉर कहते हैं बुलावा भेजना, ये भी इसका नहीं हो पाएगा। राइट के आंसर हो जाएगा ए लॉट ऑन माय प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट ए मैरिज, टू ऑब्जेक्ट ए मैरिज, टू ऑब्जेक्ट ए मैरिज का मतलब होता है किसी, टू ऑब्जेक्ट ए मैरिज मतलब किसी विवाह पे आपत्ति करना। टू फॉरविट द वंस, टू फॉरविट द वंस सही आंसर हो जाएगा। सेटअप, सेट स्थापित करना नहीं होगा। स्टैंड फॉर किसी विचार का समर्थन करना नहीं होगा। स्ट्राइक एट नथिंग कोई ध्यान नहीं रखना, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉरविट द ब्लैंड ओ बैंस। नेक्स्ट आइटम की बात देखते हैं। नेक्स्ट है अलर्ट होना, अलर्ट होना मतलब कि क्या होना, चौकन्ना होना। ऑन द बेल, ऑन द बेल, बेल बजा दी गई, ठीक है, तो अलर्ट हो गए। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग ऐसा गाना होता है जो अंतिम यात्रा पर गाया। स्टेप अप, स्टेप अप कहते हैं गति या मात्रा में बढ़ना। स्टेप अप कर रहा, अप कर रहा मतलब कि अप कर रहा, देखिएगा, ठीक है ना, यानी कि गति बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, तो ये भी इसका नहीं होगा। और जी स्वान सॉन्ग अंतिम यात्रा के भी नहीं होगा। सीट अराउंड अबाउट, खाली बैठना, सीट अराउंड, सीट के चारों तरफ बैठना, सीट के बारे में बात करना, यानी कि खाली बैठना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द बेल, अलर्ट हो जाना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी। प्रेटी पेनी में कहते हैं बहुत महंगी। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट दूसरों से अलग दिखना, स्टैंड आउट है, एक स्टैंड आउट है, एक स्टैंड आउट है जो है वो अलग है, यानी कि दूसरों से अलग दिख रहा है, ये भी इसका नहीं होगा। टेक डाउन नोट डाउन, टेक डाउन नोट डाउन यानी कि कुछ लिख लेना, ये भी नहीं होगा। द रैंक एंड फाइल, साधारण वर्ग के लोग मतलब जो जीवन बसर करते हैं बस केवल, इसे कहते हैं रैंक एंड फाइल, तो ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत महंगा। पेट्टी पेनी, प्रेटी पेनी की इडियम होता है, इसका मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट इडियम में देखिएगा। टू अर्न सम मनी क्विकली, टू अर्न सम मनी क्विकली यानी कि इसका क्या होता है, मतलब कि मनी कमाना, लेकिन सम मनी क्विकली फास्ट एकदम पैसा कमा लेना। टू मेक फास्ट बक, एकदम बनाया फास्ट बक, टू मेक फास्ट बक, इसका सही आइडियम क्या होगा, मेक फास्ट बक यानी कि आसानी से जल्दी से पैसा छापना, पैसा कमाना, टू मेक फास्ट बक। टेक टू ए टास्क, आलोचना करना नहीं होगा। टेक आफ्टर, अपनों बड़ों की तरह दिखना नहीं होगा। स्टैंड अप कहते हैं प्रमाणित करना, ये भी नहीं होगा। स्टैंड अप प्रमाणित करना नहीं होगा। अब देखिएगा रिकैप कर लेते एक बार फास्ट से, थोड़ा सा आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ये पहला क्या था, फुली डेवलप्ड, पूर्ण रूप से विकसित होना, पूर्ण रूप से विकसित होना यानी कि फुल ब्लाउन। स्माइल ऑन कहते पर्सन होना, नहीं होगा। रन डाउन कहते हैं आलोचना करना, नहीं होगा। शॉट डाउन कहते हैं आलोचना करना, नहीं होगा। नेक्स्ट ईडियम है एक्सट्रीमली एक्साइटेड कहते हैं बहुत उत्तेजित होना, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। गंग हो अति उत्साहित होना। सार प्रैक्टिस, बेईमानी करना नहीं होगा। रन डाउन, ये भी नहीं होगा। स्मॉल टॉक, छोटी मोटी बातें, ये नहीं। ए प्लेस स्कैन ऑफ टूमलेट,
स्कैन कर ली गई ऑफ टुमलेट, टुमलेट को स्कैन कर ली गई है यानी कि भाप ले गई है। सी थ्रो देख लिया गया, सी थ्रो देख लिया गया यानी कि सच्चाई भाप ली गई। रन ओवर मतलब किसी वाहन के द्वार को चलना। बियर गार्डन खुशी का शोर शराबा ये भी नहीं होगा। स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन कहते हैं मारना है बीमार करना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ईडियम कहते हैं, देखिए रिकेप कर रहा हूँ, फास्ट में होता है। और जी सॉरी, ए प्लेस और स्कैन टूमलेट ये हो गया। टू विस्पर एंडरमेंट्स, टू विस्पर एंडरमेंट्स एज लवर यानी कि बिल एंड को प्रेमी की तरह प्यार करना, ठीक है। और सेट अबाउट, सेट अबाउट कहते हैं किसी कार्य का प्रकाश करना, प्रयास करना। स्मार्ट अंडर पीड़ित करना, टेक ऑन दायित्व को संभाल लेना। द एक्ट और प्रैक्टिस एंड ऑफ बॉस्टिंग मतलब डींग हाँकना, चेस्ट थम्पिंग ये भी नहीं होगा। सी थ्रो समझना होता है, चेस्ट थम्पिंग किसे कहते हैं, एक्ट ऑन प्रैक्टिस बॉस्टिंग। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, देखो ए लोट ऑफ माई प्लेट, लोट ऑफ माई प्लेट वेरी बिजी एंड कमिटमेंट, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज यानी कि टू फॉरविड द वंस विवाह से आपत्ति करना। अलर्ट ऑन द वेल वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव होता है। प्रेटी पेनी टू अर्न सम मनी टू मेक फास्ट वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। देखिएगा थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ईडीएम का पार्ट नंबर 2 है। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, ये आपके लिए बहुत ही वो हेल्पफुल होएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।